पार्टी जिन्हों भी टिकट देगी वो झाड़ू निशान होएगा। असं तो तैयारी पिछले काफ़ी दिनों कर रहे हैं क्योंकि सानू टिकट मिल चुकी है, साडा चोर निशान है झाड़ू। झाड़ू से जोड़ा भी कैंडीडेट आएगा वो उसकी जित दे असी दिन रात काम करा। मैं बाकी सुशील रिंकू जी पूर्व एम एल ए का आम आदमी पार्टी के जलंधर वालू वैसत वालू आनते स्वागत करता। मेरी कोई नाराजगी, मेरी नाराजगी कांग्रेस पार्टी तो है, मेरी नाराजगी अकाली दल तो है, विरोधी पार्टियां करके बोलना पैंता। अज मेरी किसी निजी तौर के उत्ते किसी ना कोई भी नहीं है सियासत, सियासत मेरा पार्टी विरोधी है। मैं उन्होंने सुशील रिंकू ने मैं जो भी पार्टी लेवल पर बोलता सी ना कि वह पार्टी यह कर रही है, वो पार्टी यह कर रही है, अज भी बोलाँगा, अज भी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बोलाँगा, प्रचार कराँगा। पर अज असी दोनों अगर इकट्ठे होकर चलेंगे मैंने लगता कि जी लोग सभा जी सीट है ये आम आदमी पार्टी झोली च पावे। नहीं कोई नहीं, नहीं मेरी परसनल किसी रंजिश नहीं है, मेरी किसी मतभेद हो सकते हैं, लोग किसी हर बंद परिवार भी होंगे है। पर पार्टी के मैं कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के इलेक्शन से वो पार्टियां के इलेक्शन से अच्छ कांग्रेस उन्होंने छड़ दी है तो मैं उन्होंने आनंद स्वागत करता। क्योंकि सवेर से कितने ना कि नाराजगी देखने को मिल रही थी, कहा जा रहा है कि कितने ना कि इस्तीफा भी दे सकते हैं। नहीं इदा नहीं, नहीं नहीं मैं इदा की कोई गल नहीं, क्योंकि पार्टी ने मेरे ध्यान से लिया के पार्टी ने मैनू पहले, क्योंकि मैं छोटा जा कार्यकर्ता पार्टी का, पर पार्टी ने मेरे उत्ते बहुत वड्डा विश्वास किया। मैनू पहले सारी गल साडी पूरी टीम बैठी है कोर ग्रुप के मेरे ते विश्वास लैके मेरे ध्यान गल लिया के सुशील रिंकू जी ने पार्टी लैके आता। मीटिंग कराई गई सी तुहाडी सुशील रिंकू नाल? उन्हों मीटिंग अज जी अज हुई है, बाकी पार्टी लेवल के उत्ते जी है वो ज्वाइन नहीं। तुम देखिए जी पहले इतने पहले मैं पहले मिले प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले पिछले मिले से उन्होंने, पर पिछे पिछे सीएम साहब भी आए हो जो ओपनिंग भी हुई है ते उदों तुसी गैर हाजिर रहे तीन चार। मैं सारे फंक्शन विच एक फंक्शन विच मैं दिल्ली सी, मैं तां नहीं आ सकिया। सीएम साहब ने मेरे हल्के जलंधर विच करोड़ों रुपया दे के जिहड़ा उन्होंने 30 तरीक उद्घाटन किया, हजे हफ्ते दी गल है, एक हफ्ता पहले सीएम साहब उद्घाटन कर रहे मेरे हल्कों का। इस करके सीएम साहब का मैं एक छोटा जिहा छपाई हाँ पार्टी का, उन्हों का बच्चा है आम आदमी पार्टी के नाल। हाँ एक जिहड़ा ईसाई भाईचारे वल्लों राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिता है, यूनाइटेड पंजाब पार्टी नाम रखा गया, उन्होंने कहा इस बार असं भी जिहड़ा अपना उम्मीदवार लड़ावांगे चोणां जिहड़ियां अगे आउंदियां उन्हां नूं लड़ा, क्योंकि कोई सरकार या कोई राजनीतिक पार्टियां उन्हां दी कोई भी गल नूं मानदियां नहीं, उन्हां दी मंगां नूं नहीं मानदियां हैगियां ते उन्हां दे लोकां नूं पुछ किछ नहीं। मेरे हिसाब नाल हर एक पार्टी नूं अपने मैदान च उतारना चाहिए, जिदा अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं जे, पर वह किस तरीके ने उन्हों का की है किन्ने लोग पिछे है ये बारे मैं नहीं पता, पर असी अपनी पार्टी का काम लैके लोगों जाना। अज जिथे बेनीफिट अगर मोहल्ला क्लीनिक मिल रहा और जात पात नहीं पूछी जा रही, और अज एक दलित परिवार का बच्चा भी दवाई लै रहा, और अज एक साई परिवार का भी लै रहा, उस सिख परिवार का भी लै रहा, उस कभी जात पात नहीं पूछी जाती। अज अगर पंजाब के मुख्यमंत्री साहब दी जिहड़ियां स्कीमां का लाभ मिल रहा वो हर एक जात पात को मिल रहा, अज अगर किसी का बिजली का बिल जीरो आ रहा और जात पात नहीं पूछी जा रही, पर यह पहली सरकार है एक जिन्हें हिंदुस्तान अज पंजाब के इतिहास रचा जो अब गरीबों को मोहल्ला क्लीनिंग का बेनीफिट हो रहा है, और तो अलावा जो लोगों को बिजली का बिल जीरो आ रहा है। जीरो बिल की गल की तो बहुत ज़्यादा पैसे जो खड़े सरकारी दफ्तर वाले तो उत्थे भी बयान है कि प्रीपेड मीटर भी लगा रहे ना ही बकाया मोड़ रहे। नहीं मेरे ध्यान के नहीं है किसी कोई दिक्कत नहीं आदि, जो कोई दिक्कत आएगी असी सरकार के तौर उत्ते हल करा उस चीज़ का। धार्मिक जी पार्टी के आगू ने कहा है कल आम आदमी नहीं पेगा ना, बाकी पार्टी नहीं पेगा ना, इस करके आम आदमी पार्टी जी लोग सभा सीट जीती हुई है, इस करके कई लोगों को बुलाहट है, बुलाहट करके नवे नवे रंग लोग करेंगे। पर आम आदमी पार्टी का जोड़ा भी कैंडीडेट आएगा मैं इस चीज़ की गरंटी देना ये लोग सभा जी सीट है उन्होंने झोली च पेगी।